बहुत धन्यवाद माननीय सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से सदन, सरकार और सभी का ध्यान एक महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। भारत के इस पवित्र धरा पर कई महापुरुषों ने जन्म लिया, जिनका जीवन दर्शन हम सब के लिए आदर्श के रूप में, प्रेरणा के रूप में पथ प्रदर्शक है। इनके नामों के द्वारा इनके कार्यों को सदियों तक याद रखा जा सके और इनके सिद्धांत और इनके विचार आने वाली युवा पीढ़ी को मार्गदर्शित करते रहे, इस भावना के साथ कई भवनों, विश्वविद्यालय, मार्गों का नामकरण महापुरुषों के नाम से किया जाता है। परंतु आजकल एक नई परंपरा का चलन देखने को मिल रहा है, जिसे निश्चित रूप से हमें ठीक करने की आवश्यकता है। और ये परंपरा है नामों को शॉर्ट फॉर्म में लिखने और पढ़ने की, जैसे देवी अहिल्या विश्वविद्यालय DAVV हो गया, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय RDVV, शहीद भीमा नायक कॉलेज को SBN कॉलेज, रविंद्रनाथ टैगोर मार्ग को RNT मार्ग, राम मनोहर लोहिया अस्पताल को RML अस्पताल, महाराणा प्रताप नगर को MP नगर बोला जाता है तो तात्या टोपे नगर को TT नगर बोला जाता है, विश्वंबर दास मार्ग को BD मार्ग और दीनदयाल उपाध्याय मार्ग को DDU मार्ग, ऐसे कई देश भर में जिन महापुरुषों के नाम से नामकरण हुए हैं उनको शॉर्ट फॉर्म में बोलने की परंपरा सी हो गई है। यहाँ तक कि हद जब हो जाती है, जब टैक्सी ड्राइवर चालक से हम किसी जगह का पूर्ण नाम लेकर पता या स्थान के बारे में पूछते हैं तो वो अनभिज्ञ रहता है, उसे पता नहीं होता है, और जब हम शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं तो वो हमें अपने गंतव्य तक पहुँचा देते हैं। महोदय, जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, और जैसा पिएंगे पानी वैसी होगी वाणी, लगातार हमारा बोलना कहीं ना कहीं वो प्रचलन बन जाता है। महोदय, इस प्रचलन से नामकरण का मूल उद्देश्य ही खत्म हो गया है, नामों की प्रासंगिकता, पवित्रता ही खत्म हो गई है। ये सोचने का विषय है कि भावी पीढ़ी को हम क्या दे रहे हैं। देश भर में ऐसे कई नामों को शॉर्ट फॉर्म में लिखा वो पढ़ा जा रहा है। अतः महोदय, मेरा आपके माध्यम से सदन, सरकार और देश की जनता से यह विनम्र अनुरोध है कि महापुरुषों के नाम को पूरा लिखा व पढ़ा जाए, ताकि मूल उद्देश्य को खत्म होने से बचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।